यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और इसी बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा बयान दिया है और साथ ही उपवास वार जो चल रहा है, फास्ट वार जो चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसको लेकर ये बयान उन्होंने दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का उपवास देश में भाईचारा कायम करने के लिए था और वहीं बीजेपी का उपवास एक मजाक था। ये बात दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कही गई है। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी की ओर से जो जिस बात को लेकर उपवास रखा जा रहा है कि संसद नहीं चलने दी गई, कांग्रेस ने अपने शोर शराबे के कारण उसको लेकर कहा है कि कांग्रेस के सांसद अपनी सीटों पर बैठे थे, सरकार खुद मुद्दों से भाग रही थी और उपवास के माध्यम से चोर उल्टा कोतवाल को डांटे वाली बात थी। यह बात अब सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कही गई है। और यह बड़ी खबर चंडीगढ़ से, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो फास्ट वार चल रहा है उसी को लेकर अब सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस का उपवास देश में भाईचारा कायम करने के लिए था जबकि बीजेपी का उपवास एक मजाक था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से जिस बात को लेकर यह उपवास रखने की बात कही जा रही है कि संसद नहीं चलने दी गई, कामकाज जो है वो ठप किया गया विपक्ष के हो हल्ले के कारण, उसको लेकर अब सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के सांसद अपनी सीटों पर बैठे थे जबकि सरकार खुद मुद्दों से भाग रही थी और उपवास के माध्यम से अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात साबित हो रही है। तो ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का उपवास देश में भाईचारा कायम करने के लिए था। आपको बता दें कि दलित उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस की ओर से उपवास रखा गया था और वहीं अब बीजेपी ने भी उपवास रखा संसद नहीं चलने देने को लेकर, जिसको लेकर अब दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का उपवास देश में भाईचारा कायम करने के लिए था जबकि बीजेपी का उपवास एक मजाक था। ज्यादा जानकारी लेंगे, कुमार रमेश हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार रमेश, उपवास वॉर के बाद में फास्ट वॉर के साथ में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस के उपवास के बाद अब जब बीजेपी ने उपवास रखा तो अब दोनों में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई जी। जाहिर तौर पर तीखी बयानबाजी का रिजल्ट कुछ भी निकले, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यह आरोप जरूर लगा दिया कि भाजपा पर कि उनका उपवास है उपहास है और जो हमने उपवास रखा था वो भाईचारे के माध्यम से रखा था। आज वो चंडीगढ़ में सवेरे आए थे और सवेरे उन्होंने चाय पे पत्रकारों के साथ चर्चा की और बड़ी तीखी बयानबाजी की। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के समय में जो चीजें हुई वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है और भारतीय जनता पार्टी केवल शब्दों के जाल से लोगों को भ्रमित करने में लगी हुई है और यही कारण है कि सिस्टम को सही तरीके से नहीं चला पा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लोकसभा नहीं चलने देने के पीछे भाजपा और जो उनके सहयोगी दल है उनका हाथ है बजाय कि कांग्रेस का हाथ है जी। कुमार रमेश, इसके साथ ही और क्या कुछ इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया? देखिए दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया कि जाहिर तौर पर जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो इतना क्रियान्वित नहीं है कि उसके लिए कुछ आगे किया जा सके। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार को चाहिए कि लोगों के दुख दर्द को समझे और उनके तरीके से काम करे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि सरकार अभी कुछ करना नहीं चाहती और केवल शब्दों का माया जाल खेलना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिन रेल प्रोजेक्ट के बारे में उनकी सरकारों ने काम किया वो आज तक दूसरी सरकारें नहीं कर पाई। उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि जो रेल लाइन का प्रोजेक्ट हमारे समय मंजूर हुआ था इस सरकार ने उसके लिए जमीन भी नहीं दी और एक लाइन के लिए केवल थोड़ी सी जमीन खाली कराने की बात को लेकर के वाहवाही लूटना चाहते हैं। केवल ये नाम और जो है शब्दों का जाल जो बिछा करके लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं जबकि कांग्रेस आम आदमी और गरीब आदमी और सभी के साथ चल करके आगे बढ़ने वाली पार्टी जी। चलिए बहुत शुक्रिया कुमार रमेश तमाम जानकारी के लिए। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का उपवास देश में भाईचारा कायम करने के लिए था जबकि बीजेपी का उपवास एक मजाक था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की ओर से उपवास रखा गया। कांग्रेस की ओर से जहां दलित उत्पीड़न की बात को लेकर उपवास रखा गया तो वहीं पर बीजेपी की ओर से संसद नहीं चलने देने को लेकर यह उपवास रहा और साथ ही विपक्ष को घेरने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया। तो वहीं अब सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के सभी सांसद अपनी सीटों पर बैठे थे जबकि सरकार खुद मुद्दों से भाग रही थी, अब उपवास के माध्यम से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत सच हो रही है।